अगर प्रयासों के परिणाम परफेक्ट चाहिए तो लगातार बिना रुके मुश्किलों से जूझना पड़ता है। अड़चनों को घुटने टेकने की वजह बनाने की बजाय उन्हें फांद कर भविष्य की तरफ देखना चाहिए। तैयार हो जा। कोई सुराग नहीं, कोई लीड्स नहीं। कई दिनों के बाद भी तहकीकात कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। यह मर्डर केस महज एक फाइल बनने जा रहा था, अनसुलझे केसेस के ढेर में एक और फाइल। अनसुलझे केसेस क्या होते हैं? वो केसेस जो इंतजार कर रहे हैं किसी ब्रेक थ्रू का। पर अनसुलझे केसेस क्लोज नहीं हो सकते। क्रिमिनल केस तभी क्लोज होता है जब अदालत अपना फैसला सुनाती है और विक्टिम को इंसाफ मिलता है। सर, क्राइम सीन पे कोई क्लू नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कोई फॉरवर्ड मूवमेंट भी नहीं, मतलब परफेक्ट क्राइम। मैंने ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन एक हथियार है परफेक्ट क्राइम के भ्रम को तोड़ने का। परफेक्ट क्राइम होता ही नहीं है। हर क्रिमिनल कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसे पकड़वाती है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है उस एक लूप होल को ढूंढना। कैसा लगा? वेरी नाइस। आज से ये हमारा घर है, वेलकम होम। पर ऐसा नहीं है कि वो गलती अपने आप आकर आपकी गोद में गिर जाती है। अचानक एक मेहनती और शार्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हमेशा लगे रहना पड़ता है, दिमाग कान आंख हमेशा खुला। वो सुराग के साय को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर जब कोई केस ऐसा हो जिसमें लीड मिलना इम्पॉसिबल लगे। आपके पास कोई ऐसा केस आया सर जहां ब्रेक थ्रू मिलना ही मुश्किल लग रहा? हाँ, होता है। प्रेशर में कई केसेस नामुमकिन लगते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, एक शार्प ऑफिसर की नजर हमेशा उसके परे होनी चाहिए। जरूरत होती है उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। अभी एक रीसेंट केस था, एक महीना पहले का, राणागंज हिमाचल प्रदेश, जहां मेरी पोस्टिंग है। ये मेरे यहाँ कभी नहीं रहा। यहाँ आसपास किसी और के घर में रहा हो? मैंने तो इससे पहले इसे कभी भी नहीं देखा। जी नहीं साहब, मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं। अब गिरधारी लाल से पूछिए। लॉज का नाम? वो लॉज नहीं है साहब, गिरधारी लाल स्टूडेंट लोगों के लिए हॉस्टल चलाता है। कुछ मिला? अभी तक तो नहीं मैडम। ये जो चारों सिम है ये सड़े हुए और बंद है, बाकी के मैं चेक कर रहा हूँ। ये लड़का हमारे हॉस्टल में नहीं रहता है और ना ही कभी रहा था। कहीं और गिरधारी लाल? पता नहीं साहब, इस लड़के को तो मैंने इस इलाके में भी कभी नहीं देखा। आप दोनों कॉलेज में पता कर लीजिए, हो सकता है आपको वहां से कुछ जानकारी मिल जाए। 10 में से सिर्फ ये 2 सिम कार्ड चल रहे हैं। जी सर, ये दोनों सिम कार्ड 3 महीने पहले आखिरी बार यूज हुए थे। मैंने फोन कंपनी से डिटेल्स मंगाई हैं। देखते हैं फोन रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। इस विक्टिम के बारे में कुछ तो पता चले। सर जी, दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पता किया, पर ये बंदा कहीं का भी स्टूडेंट नहीं है। तो फिर कौन है और कहां का है? बाहर का हो सकता है, शायद यहां से गुजर रहा होगा।
और मार डाला गया या फिर यहाँ लाया गया होगा मारने के लिए? लोकल तो नहीं लगता। हाँ सर, मतलब शिमला, कांगड़ा, दलहौजी और धर्मशाला, हर जगह इसके फोटोग्राफ्स भेजे गए सारी डिटेल्स के साथ, लेकिन कहीं कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन दर्ज ही नहीं हुई है। आसपास के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी स्कैन किया पर कुछ नहीं मिला। तो इस वक्त हमारे हाथ में 10 सिम कार्ड है जो विक्टिम की जेब से बरामद हुआ, जिनमें से 8 बंद हैं और 2 एक्टिव हैं। उन सिम कार्ड्स को बतौर सुराग समझकर हम इस ब्लाइंड केस में आगे बढ़े और हर उस अंधी गली में घुसे जहां ये केस हमें ले गया। तीन महीनों से कोई भी एक्टिविटी नहीं है और दोनों नंबर्स के रिकॉर्ड्स ब्लैंक हैं। हाँ सर, ना कॉल्स किए गए हैं ना रिसीव किए गए हैं, पर इन दोनों नंबर्स के नाम मिल गए हैं। अब हमारे पास 2 नाम हैं काम करने के लिए। विकास गुप्ता, अमन सिंह, दोनों बठिंडा के रेजिडेंट्स। और इन लोगों के लास्ट 3 महीने के फोन रिकॉर्ड्स एकदम ब्लैंक हैं। सर, एक मिसलीड हो सकता है हमें गुमराह करने के लिए। सुजाता, मिसलीड भी लीड ही होता है और इस वक्त हमारे हाथ में यह है तो इसी की जांच करते हैं। तुम दोनों बठिंडा जाओ, जरा पता करो ये अमन और विकास 3 महीने से इतने खामोश क्यों? सर, हेलो। हाँ चरणजीत जी, गुड मॉर्निंग। मोनिका, रघु कहाँ है? वो तो शावर में है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। रघु से कह दो उसे यहाँ आना होगा, फैक्ट्री की डील हो सकती है, कुछ खरीदार सामने आए हैं। ये तो अच्छी बात है, ठीक है मैं रघु को बोल देती हूँ। ओके थैंक यू। कह रहे थे तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ डील साइन करने। मैं बात करूँगा उनसे, पेपर्स यही भेजने के लिए बोलूँगा। फैक्ट्री बिक जाएगी तो फंड्स आ जाएंगे, फिर हम यहीं कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपना। हाँ व्हाई नॉट, तुम्हारे माइंड में कुछ है कोई बिजनेस आइडिया एनीथिंग? मैं सोच रही थी जी। विकास गुप्ता? जी हाँ, मैं ही हूँ विकास गुप्ता। कौन है ये? तुम बताओ। तुम्हारा सिम कार्ड नंबर 4445678 इस लाश की जेब में था, कैसे? वो तो मेरा पुराना नंबर है, आप चेक कर लीजिए, 4445678635 ये मेरा अभी का नंबर है। तो ये नंबर 4445678 ये भी तो कुछ टाइम पहले तक तुम्हारा ही नंबर था ना? हाँ जी था, लेकिन एक साल पहले मैंने चेंज किया था मेरा नंबर। तो तुम्हारा एक साल पुराना सिम कार्ड इस 3 दिन पहले मिली लाश की जेब में कैसे पहुंचा? देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है। मेरी मानिए, आप लोग शरद भाई से बात कर लीजिए, सिम कार्ड का डीलर है, मैंने उसी से ये सिम खरीदा था और उसी को रिटर्न करके ये नया वाला लिया, दूसरी कंपनी का। सर इस विकास गुप्ता पर नजर रखवाती हूँ। लगता है दूसरा बंदा अमन सिंह भी वही जवाब देगा जो उस विकास गुप्ता ने दिया था। फिर वही जवाब का क्या मतलब मैडम? वही जवाब जो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं इस आदमी को नहीं जानता मैडम, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो सिम कार्ड मैंने 6 महीने पहले डिस्कनेक्ट किया था वो इस आदमी के हाथ कैसे लग गया। अब तुम ये भी कहोगे कि तुमने नया सिम इसलिए लिया क्योंकि कोई दूसरी कंपनी सस्ती डील ऑफर कर रही है ना, ये स्टोरी है ना? स्टोरी नहीं है सर, हकीकत है, मैं ऐसे ही हुआ था। स्टोरी में एक शरद भाई भी होंगे जिनसे तुमने सिम कार्ड खरीदा होगा और फिर वही सिम कार्ड वापस करके नया ले लिया होगा। आप शरद भाई को जानती हैं? अमन, तस्वीर ठीक से देखो और बताओ इस आदमी को पहचानते हो? तो जाता है जो विक्टिम है हमारा,
कुछ अजीब नहीं है इसके बारे में? सर, ये विकास गुप्ता और अमन सिंह कह रहे हैं कि इसे जानते नहीं, लेकिन जब इन्होंने फोटो देखा तो इनके एक्सप्रेशन, मुझे लगता है ये दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। इस आदमी का सच कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे, कुछ तो माजरा है। ये एक मरा हुआ बंदा है शरद, जिसके जेब में से हमें 10 सिम कार्ड बरामद हुए, जिसमें से 2 सिम कार्ड इसी मोहल्ले में रहने वाले लड़कों के, अमन सिंह और विकास गुप्ता, जिन्होंने तुमसे ये सिम कार्ड लिए, तुम्हें वापस लौटाया और उसके बाद नए सिम कार्ड लिए। अब तुम मुझे ये बताओ शरद, तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए मुझे लॉकअप में तुम्हें कितना तोड़ना पड़ेगा? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। सर कसम खाता हूँ, मैं इस बंदे को नहीं जानता। अमन और विकास ने तुम्हें सिम कार्ड लौटाए तो तुम्हारे हाथ से ये इसकी जेब में कैसे पहुँच गए? सिम कार्ड कोई खुले पैसे तो होते नहीं है। सर गलती हो गई, मतलब हो सकता है कि मैंने किसी को, जो आप बोल रहे हैं अमन और विकास, इनके नाम पर सिम दिला दिया हो। गलती? किसी और के नाम पर किसी और को सिम देना गलती नहीं होती शरद, क्राइम होता है क्राइम। मानता हूँ सर, लेकिन मेरे ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही कॉलेज के यंग लड़के और लड़कियाँ होते हैं जो आए दिन अपना मोबाइल नंबर और सर्विस प्रोवाइडर बदलते रहते हैं। कोई भी मोबाइल कंपनी सस्ती स्कीम निकालती है, ज़्यादा डाटा देती है, तो वो तुरंत चेंज कर देते हैं। मैं भी उनको तुरंत दे देता हूँ। तुरंत दे देते हो? किसी और का सरेंडर किया हुआ सिम बिना किसी डॉक्यूमेंट के? सर इसको लॉकअप ले चलते हैं, फूटते हैं साले को, सब उगल देगा। नहीं नहीं मैडम, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता लाशवास के बारे में। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं ये दुकान 6 साल से चला रहा हूँ सर, किसी से भी पूछ लो, मैंने कभी भी वैसा कोई क्रिमिनल वाला काम नहीं किया है। सर अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो क्यों छुपाता, वैसे ही बता देता ना। हमारे पास तो ऐसे किसी बंदे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। शमशेर जी, जो 10 में से 2 एक्टिव सिम हमें इस लाश पर से मिले, वो दोनों ही बठिंडे के 2 लड़कों के हैं। देखिए आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह फर्जी कागजात वाले मोबाइल नंबर कांड करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और फिर हम लोग कभी कभी उन लोगों की तलाश में होते हैं जिनका केस से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता। हम मानते हैं शमशेर जी, लेकिन हमारे हाथ में एक मर्डर केस है और ये ब्लाइंड केस हमें आपके शहर तक लेकर आया है। अब आप लोग यहाँ तक पहुँचे ही हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ ये पता करने की कि ये जो बंदा है ये बठिंडे का है भी या नहीं। सर इस अमन सिंह और विकास गुप्ता की लीड्स कहीं नहीं जा रही हैं। हाँ शायद यही इरादा होगा कातिल का, इसलिए उसने विक्टिम की जेब में 10 सिम कार्ड डाल दिए ताकि एक के बाद एक डेडली टटोलती रहे पुलिस और बस गोल गोल चक्कर काटती रहे। बिल्कुल पॉसिबल है सर, फिर भी मैंने अमन और विकास के इलाके के पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ की, ऐसे किसी भी बंदे की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। बंदा मिसिंग होगा पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई होगी, शायद घर वाले अभी उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, या शायद घर वाले जानते नहीं हैं कि बंदा मिसिंग है, या शायद जानते हैं कि मिसिंग है पर कंप्लेंट नहीं करना चाहते। आपको पता ही नहीं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको पता ही नहीं कि ये आदमी क्यों मारा गया, आपको पता ही नहीं कि इस कहानी की बड़ी कहानी क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी किसी दूसरी जॉब की तरह ही होती है, इसमें भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मायूसी हो सकती है, पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना फोकस और पेशेंस पकड़ के रखना पड़ता है। तहकीकात तभी कंप्लीट होती है जब कहानी का पूरी तरह से खुलासा होता है। सर विक्टिम के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जिपनेट पर अपलोड कर दिए, अगर बठिंडा से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम बाकी जगहों पर तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। ललित जल्दी पता लगाना होगा ये लाश किसकी है, 1 हफ्ता गुजर चुका है, शायद हमें बॉडी को क्रीमेट करना पड़े, वो इन्फॉर्मेशन तो हाथ लगे, ये बंदा कौन था, क्यों मारा गया और किसके हाथों मारा गया। सर बहुत सारे निशान है लेकिन है वही। राणगढ़ पुलिस स्टेशन, PSI ललित नाहर बोल रहा हूँ। सर जी मैं भटिंडा से बोल रहा हूँ, हरजीत गिल। जी बोलिए। सर जी वो आप लोगों ने हमारे मोहल्ले में पोस्टर लगाए ना? हाँ। आप जानते हो कुछ उस आदमी के बारे में? जी सर जी, मुझे लगता है वो मेरा छोटा भाई लकी है। यही है जी, मेरा छोटा भाई लकी गिल। आप लोगों का घर भटिंडा के चंदन नगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। इस लाश को मिले हुए हमें 9 दिन हो चुके हैं,
आपने चंदनगर पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई? क्यों? लकी वैसे काफी अनलकी मालूम होता है। वो अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता है और वहां पहुंचता नहीं, और आप लोगों को कोई खबर ही नहीं। वो इतने दिनों से गायब है और आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। वो नंबर क्या है लकी का? सर जी, लकी का फोन नंबर तो हम में से किसी के पास नहीं है। मतलब आप बाप हैं और आप भाई, बड़े भाई ना, तो आपके पास फोन नंबर नहीं होगा तो किसके पास होगा? पता नहीं जी, लकी हमें कभी कुछ बताता नहीं था। ऐसा क्या करता था जो बताता ही नहीं था? वो भी तो नहीं बताता था जी, बस काम की तलाश में रहता था हमेशा। और जब भी उससे पूछते कहाँ जा रहा है तो कहता कि काम ढूंढने जा रहा हूँ। आप कहाँ चल दिया पुत्र? जी बाहर जाते वक्त मत टोका करो, बोला ना आपको। लेकिन जा कहाँ रहा है बोलता क्यों नहीं? हर बारी आप यही पूछते हो और हर बारी मेरा जवाब वही होता है, काम ढूंढने जा रहा हूँ पापा जी, इस बारी शायद मिल जाए कुछ। पर तेरा काम है कहाँ? शिमला। खुश? जाऊँ अभी? आपके पास लकी का नंबर तक नहीं है? जी कभी दिया ही नहीं उसने, वो हमेशा परेशान रहता था, काम ढूंढ रहा था लंबे अरसे से। उसके पास फोन नंबर था भी या नहीं हम लोगों को ये भी नहीं पता। उसकी जेब में से 10 सिम कार्ड्स निकले हैं। आपका बेटा, आपका छोटा भाई शिमला में कहाँ जा रहा था, किसके साथ जा रहा था, कौन सी नौकरी थी, कुछ तो पता होगा आप लोगों को? सर जी शिमला बोला यही बड़ी बात है। घर तो वो समझो रात को सोने आता था, मैं थोड़ा बहुत खावा लिया और ना कोई बात ही नहीं होती थी उससे, बहुत परेशान रहता था हमेशा काम को लेकर, एकदम गुमसुम। बेटा तो अब रहा नहीं, जीते जी तो उसे समझ नहीं पाए, तो वो चला गया वो भी इस तरह, तो उसका अंतिम संस्कार तो ढंग से करने दीजिए। विपुल की पहचान होने के बाद भी सारे राज जो कहते हो? और सर फैमिली को फोन नंबर तक ना मालूम हो, ये तो सीरियसली अजीब है। सर फैमिली ने पोस्टर देकर हमें कॉन्टेक्ट किया, इससे पहले उनकी तरफ से ये जानने की कोई भी पहल नहीं हुई कि बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। सर इस फैमिली कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है। दुख दर्द का भी ज़रा दिखावा किया नहीं उन लोगों ने, बस खुद आके बॉडी को आइडेंटिफाई किया। शायद पोस्टर देखने के बाद उनका जो प्लान हो उसे उन्होंने चेंज किया। जो भी हो, हमारे लिए ये केस अभी भी ज्यों का त्यों ही है, क्लोज होने से बहुत दूर। हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि विक्टिम का नाम लकी गिल था, वो बठिंडा का रहने वाला था, लेकिन वो यहाँ क्यों आया, किसने मारा, क्यों मारा, ये सारे सवाल अभी भी ज्यों के त्यों ही। फैमिली की स्कैनिंग शुरू करो। जी हम रानागन पुलिस स्टेशन से हैं। लकी गिल को किसने मारा? जो कुछ भी पता था बता तो दिया हमने। नहीं, सब कुछ नहीं बताया, आपसे ज्यादा तो आपके पड़ोसी ने बताया हमें। बता रहे थे काफी बदनाम था आपका लड़का, गलत काम करता था। करता होगा शायद, पर हमें कभी बताया नहीं, ना हमें पता था उसके लाइन के बारे में। आप माँ हैं उसकी, कुछ बोलेंगी नहीं? लकी ने कभी लकी को कभी कुछ बोल ही नहीं पाए, वो सुनता कहाँ था, ना कुछ बोलता था, अब तो सुनने बोलने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। बहुत कुछ रह गया लकी, अब चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता और हम उसके सुन नहीं सकते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि लकी को क्यों मारा गया। आप में से किसी को नहीं पड़ी है ना ये जानने की कि लकी को किसने मारा और क्यों? इंसाफ नहीं चाहिए आप लोगों को? मैडम हम खुद सामने आए ना उसकी पहचान करने के लिए, लाश भी क्लेम की, हो गया सब कुछ, जो भी जज्बात थे, जो भी दुख था, सब बह चुका है इतने सालों में, हम चाहते तो सामने आते ही नहीं। तो एहसान नहीं किया आपने? अगर आप सामने नहीं आते तो हम आपके सामने आ जाते। इतना समझ लीजिए आप लोग, एक कत्ल हुआ है जो एक संगीन जुर्म है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस हमारा बेटा था, इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ गड़बड़ है सर इस घर में, वरना भटिंडा के एक बेरोजगार नौजवान को कोई हमारी ज्यूरिसडिक्शन में लाकर जान से क्यों मारेगा? कुछ और है इस केस में। एक मिनट, सिम कार्ड वाला अमन से हमें घूर रहा है।
ये अमन सिंह जरूर कुछ जानता है सर। ये केस कुछ और ही है, ये लकी गिल कैरेक्टर था, स्टोरी इसकी कोई जबरदस्त। बोलो साहब क्या लोग? कुछ नहीं। तुझे तो पहले तोड़ना चाहिए था। अब तोड़ देते हैं सर, कौन सी देर हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं बस खाली पता कर रहा था कि आप लोगों को लकी का घर मिला या नहीं। हमने तो लकी का नाम भी नहीं लिया अभी तक, और इसे उसका घर भी पता है। तू तो लंबा गया अब। सर सर प्लीज सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर प्लीज सर। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लकी की जेब से तेरा सिम कार्ड मिला। और विकास गुप्ता भी लकी को जानता था ना। मैडम मैं किसी विकास विकास को नहीं जानता था। हाँ मैं लकी को जानता था, अच्छे से जानता था, पर मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था सर। फंस तो छोड़, तू पूरी तरह से धस चुका है। देख बे, हमसे झूठ बोलकर हमको चक्कर कटवाने वालों पे हमको बहुत प्यार आता है लोगों पे, पता है ना तुझे। सर वो लकी ना ड्रग्स बेचता था, ड्रग्स पेडलर था वो सर, बड़ी महंगी लत है सर ये। मैं भी लकी से ड्रग्स लेता था, पर सर जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना तो मैं लकी का छोटा मोटा काम कर देता था। ड्रग्स बेचता था जी, और पेमेंट मेरी पुड़ियों में होती थी सर। लकी को किसने मारा ये सब नहीं पता मैडम मुझे, और वैसे भी सर मेरी लकी से पिछले 2 महीने में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वो शायद मैम किसी दूसरे काम में बिजी था। कौन सा दूसरा काम? वो सब नहीं पता सर। तुझे लकी के बारे में सब कुछ पता था और तू फिर भी चुप बैठा रहा। ये बात तो सभी जानते हैं, लकी तो फेमस था, और फिर पुलिस भी तो जानती है उसके बारे में। ये चंदन नगर थाने का तो पता नहीं, पर आप वो गुरजोत कॉलोनी थाने जाके पता कीजिए, शायद वहां पर उसका कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा। वहां की पुलिस ने कई बार उसको अंदर भी किया। देख बे, तू पूरी तरह से अंदर से खत्म है। अगर मैंने तुझे अंदर कर दिया ना तो तेरी स्टोरी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी लकी के बारे में जानता सब कुछ बता दे। जितना पता था मैंने आप सबको बता दिया, बाकी आप शबनम से क्यों नहीं पूछते सर। शबनम? शबनम कौन है? शबनम आपको लकी के बारे में सब कुछ बताएगी। शबनम प्रीतम नगर में रहती है, धंधा करती है सर, लकी मरता था उस पर। अगर मुझे कुछ पता होता या मेरा उसमें हाथ होता तो मैं भाग जाता ना, आप लोगों का पीछा थोड़े ना करता। ये अचानक तेरे अंदर का अच्छा बच्चा कैसे जाग गया? मैं ना ये जानकर बहुत ज्यादा डर गया था कि लकी मर गया है, और फिर जब उसका पोस्टर देखा तो मैं और भी ज्यादा डर गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद आप दोनों को देखा तो आप दोनों के पीछे हो लिया, तसल्ली हुई ये जानकर कि आपको लकी का घर मिल गया है। तू नहीं भागा ना, अच्छा किया। अब आगे से तू भागेगा भी नहीं। तेरा फोन 24 घंटे चार्ज रहना चाहिए और ऑन भी, और आज की तरह अगर मुझे तुझे वापस कभी भी दौड़कर पकड़ना पड़ा तो तेरी लास्ट दौड़ होगी। समझ गया सर। सुजाता मैं गुरजोत कॉलोनी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम्हें शबनम कैरेक्टर से मिलो। जी सर। केस खुल रहा है सुजाता, अब इस लकी की स्टोरी का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ये पूरी हिस्ट्री है लकी गिल की। छठा वो हिस्ट्री शीटर था, ड्रग्स का धंधा था इसका। बड़ी अजीब बात है, ये रिकॉर्ड्स हमारे सामने पहले नहीं आए। घंटी गलत जगह बजाई, आपको पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था। शबनम जी, लकी गिल को करीब से जानती थी। मुझसे तो कहता था सिर्फ मुझ पे मरता है। अब नहीं मरेगा, वो मर चुका है, मारा गया है। 15 बार अंदर जा चुका था ये। हम बार बार उसको ड्रग बेचते पकड़ते, बेल हो जाती सलेगी, फिर वही ड्रग्स का धंधा, और अब मर गया। कब हुआ ये, कैसे, कहाँ हुआ ये? सवाल मैंने पूछना है, जवाब तूने देना है। ये बता लकी को किसने मारा और क्यों? वो मुझसे धंधे की बात नहीं करता था, सिर्फ मजे के लिए आता था। अच्छा, अभी तो कह रही थी मरता था तुझ पर। अरे मैडम, वही मर्द वाला मरना,
शादी करूंगा, बड़ी बड़ी बातें, ये और वो, मैं तो सुनती तक नहीं थी। हम दोनों एक ही नाव पे सवार थे, मैं धंधा, वो ड्रग्स, और क्या जानूंगी उसके बारे में। क्या क्या ज्यादा खूब पैसे लेकर आने वाला हूँ। भी रहने देना, मैं कोई कमसुन कवारी नहीं हूँ ये सपने दिखाने के लिए। सुवारी सपना नहीं शब्बो, देख लेना, अगली बार नोटों से नहलाऊंगा तुझे। अच्छा, पूरी बोरी बेच रहे क्या ड्रग्स की? बस समझ ले कि बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों सपने ना देखने की ट्रेनिंग बहुत जल्दी मिल जाती है हमारी लाइन में मैडम। फिर भी वो कहते हैं ना, आसान नहीं होता सपने ना देखना। तो मैं उसकी राह देख रही थी, पर अब समझ आ गया कि 10 दिन से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था। 10 सिम कार्ड मिले थे उसकी जेब में, 8 बंद थे, 2 चालू थे लेकिन 3 महीने से इस्तेमाल नहीं हुए थे। तूने कौन से नंबर पर फोन किया था? अरे मैडम, जरूरी थोड़ी है कि जिस नंबर से आप ट्राई मारोगे मैं भी उसी नंबर से ट्राई मारूंगी। मेरे पास लकी का वो नंबर था जो अभी यूज कर रहा था। वैसे भी वो कपड़ों से ज्यादा नंबर बदलता था। नंबर दे उसका। ये लकी गिल का क्रिमिनल बैकग्राउंड इस मर्डर मिस्ट्री को और भी गहरा कर रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मिस्ट्री में कोई और भी हिस्ट्री छुपी, ड्रग से भी बड़ी। सर, लकी के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड जाते ही इस कहानी के और भी पन्ने खुलेंगे। देखते हैं कहाँ ले जाते हैं पन्ने। एक ड्रग्स बेचने वाला हिस्ट्री शीटर, आखिर ऐसा कौन सा बड़ा हाथ मारने वाला था? निकला फोन रिकॉर्ड? वैसे सर डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन एक नंबर है जिस पर लगातार उसकी बात हो रही थी, और वो शबनम का नंबर नहीं है। फिर? कोई लैंडलाइन नंबर है भटिंडा के किसी क्लब का। हेलो, जेके रिक्रिएशन क्लब। लकी गिल का नाम सुना है आप? पुलिस जी, सुना तो है। इस क्लब से हमें कोई ऐसी लीड मिल सकती है जो हमें उसके कातिल तक पहुंचे। हाँ सर, यही है, रेगुलर है, अक्सर यहाँ खेलने आता है। क्या खेलने आता है? पूल। यस, यस। किसके साथ खेलता था? इसका कोई फ्रेंड है? हम उससे बात करना चाहते हैं। सर, आप मंजीत से बात कर सकते हैं। वो दोनों अक्सर साथ में आते थे और साथ ही में खेलते थे। अब तो खेल या ना खेल कोई फर्क नहीं पैदा, because the champion is here, बेटे। अभी कहा मंजीत, तेरी दिल्ली बहुत दूर है अभी। इस मंजीत का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास? सॉरी सर, मेरे पास नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप शाम को आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। वो यार रेगुलरली आता है, कल भी आया था। अब बताओ, वेयर इज द चैंपियन? वेयर जी वेयर, हियर। ओ ठहर जा काके, अभी गेम खत्म नहीं हुई है। हेलो सर।
अरे यार कौन हो भाई, बोल रखो यार। पुलिस, राणागंज पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। केस अब शुरू हुआ। मंजीत अरोड़ा हमारा अगला लीड था, जो हमें लकी गिल की कहानी में गहराई तक ले जाने वाला था। 10 दिन तक हमारी कस्टडी में जो अनआइडेंटिफाइड लाश पड़ी थी, उसकी ना सिर्फ पहचान हुई बल्कि आगे चलकर एक बहुत बड़े कांड का पिटारा भी खुला। कोई भी केस फाइल तब तक क्लोज नहीं होती जब तक सारी कड़ियां मिल नहीं जाती, केस सुलझ नहीं जाता। लकी की कहानी में और कितने ट्विस्ट थे। एक जवान आदमी का कत्ल हुआ था, ऐसा आदमी जिसका क्रिमिनल अतीत था, पर क्या सिर्फ ड्रग्स लकी का अतीत था या कुछ और भी। ये केस पुलिस को काफी दूर तक ले जाने वाला था परफेक्ट क्राइम के भ्रम को तोड़ने के लिए। पुलिस वहां पर कैसे पहुंची, इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे परसों रात सीआईडी के एपिसोड के बाद। याद रखें, कल यानी कि शनिवार 31 दिसंबर को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।